अपनी हिस्ट्री है, खास करके जो अपने कई ऐसी हिस्टोरिक फैक्ट्स है, उन्होंने अपन जरूर अपनी नवी जनरेशन बनाने की लड़ है। जेडे अपने महान लीडर रहे हैं उन्होंने जीवनी उन्होंने सोच बारे भी आप उस शॉर्ट सबजैक्ट में सारा सिखाना चाहिए। जड़िया कौम जोड़े देश अपने इतिहास को याद रखनी है उन्होंने इतिहास तो समझनिया सीखनिया उम तो उ देश अगे बढ़ते। डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत ही गरीब परिवार तो जन्म हुए, उन्होंने 14 भैन भरा से उन्होंने कले 5 बच सके, बाकी सारे गुजर गए। इन्नी छोटी उम्र च इन्नी गरीबी च जन्म लैके पर फिर भी इन्ने काबिल से कि उन्होंने बॉम्बे के कॉलेज पहली बार कोई गरीब से जो एडमिशन लै सकता से उन्होंने मिली। वो बाद जिम्मे थोड़ा पहले दसा गया कि लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लैके कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक जाके एजुकेशन हासिल की। बाद जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जी इक्वैलिटी लिया जी पुराने जमाने जिहड़ियां जात पात की गल्लां सी उन्हें खत्म करने की जी उन्होंने कंट्रीब्यूशन है वह कोई मुकाबला नहीं। अपने गुरुआ ने आप दसिया कि जात पात की कोई चीज़ नहीं है ना रहनी चाहिए है, पर जेडे लोग हले भी पीच करते हैं उन्होंने आपको नकारना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी की जो कंट्रीब्यूशन है मेरे तो पहले सारे ने दस दिता, मैं वो ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा बार बार रिपीट करने मेरी आदत नहीं है, पर मैं इन्ना कहना चाहना कि जेड़ा मेन मकसद डॉक्टर अंबेडकर का सी कि लोगों जनता को देश को आम आदमी को सहूलत मिले। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद की सी कि एक कानून का दायरा बने, एक एक्ट ऐसा बने जिसके थले सारा देश चले, एक राइट्स मिल सिटीजन को कि उन सिटीजन को पता होए कि मेरे की राइट्स है ते किवें चीज़ां हो सकदियां। तो इस करके मैं इन्ना कहना चाहना है पंजाब जिहड़ा सूबा है मैं कह सकदा सारे सूबे विचों एक ऐसा सूबा है जिथे सारे धर्मां दे लोग रहिंदे है ते सारे धर्मां दे लोग इकट्ठे रहिंदे है, सारे धर्मां दे लोग एक दूजे का सत्कार करते हैं, सारे धर्मां दे शुभ दिहाड़े इकट्ठे होकर मनाते हैं। आ पंजाबी नेचर है, आपने गुरुआ साहबां ने दसे हुए रस्ता है जिहदे करके अज पंजाब दे है। पंजाबी विरसा संभालना पंजाब के विरसे नूं अगे लैके जाना एक बहुत वड्डा रोल मुख्यमंत्री बादल साहब का रहा कि ऐसा चीज़ा हिस्टोरिक फैक्ट्स है जिन्हां नूं अज तक अपनी नवी पीढ़ी नहीं जानती। वड्डा घल्लूघर जे अपने बच्चों को पुछो वड्डा घल्लूघर की सी किसी नूं पता नहीं होना, वो दिन सी जिते 30,000 सिंह नूं शहीद किया गया सी छोटा घल्लूघर उत्थे। आ जिहड़ियां यादगारां बनाईआं मुख्यमंत्री जी ने और मकसद की सी कि अपनी जनरेशन ते जनरेशन पता लग जाए कि अपनी कौम अपनी हिस्ट्री अपने पंजाब का इतिहास की। उस मुख्यमंत्री बादल साहब ने जिन्हें भी धर्मां दे स्थान है उन्होंने खूबसूरत बनाउण दा उन्होंने एक अट्रैक्शन बनाउण दा उपराला चुकिया। तुसीं देखो राम तीर्थ स्थान ते जाके देखो किन्नी खूबसूरत चीज़ उत्थे बन जाणी है, धरतीपुर 300 करोड़ रुपया चला रहे हैं, गुरु रविदास जी महाराज के स्थान बना रहे हैं। तुसीं दरबार साहब गए होणे आ, जो तुसीं दरबार साहब अज जाके देखो तो मैं इन्ना कहना है तुसीं अगले महीने 15-20 तरीक तक जो असी सारा कॉम्पलैक्स खोलिया मैं कहना इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाना है। दुर्गियाना मंदिर जी का पूरा 100 करोड़ रुपये असं डिवेलप कर रहे हैं। मैं इन्ना कहना चाहना है अमृतसर गुरु की धरती है, मेरा एक मिशन रहा मैं याद है 5 साल पहले मैं मन बना लिया कि इस गुरु की धरती को सब तो खूबसूरत बना उ एजेंडा लैके असं चले तो मैं पूरी आस है खुशी है कि असी काफ़ी हद तक उत्थे पहुँच गए हैं। हले काफ़ी काम करना है, जिहड़ी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपां नूं मिलिया वो एक वड्डा स्टैप है। तो मैं इन्ना कह सकदा कि इस गुरु की नगरी सब तो खूबसूरत अगले 2-3 साल बन जूगी, तकरीबन असी 4-5 हज़ार करोड़ रुपया कल्ले इस गुरु की नगरी अगे लाउण लगे हैं। बाकी मैं इन्ना कहना चाहना सब तो वध हिंदुस्तान में दलित पॉपुलेशन जे है पंजाब च
31.6% अपनी आबादी पंजाब च है, इंडिया का एवरेज 16% है, तो पंजाब का 31.6% है। जो सब तो ज्यादा आबादी दलित भैन भरावान की है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जलालाबाद च है, जिते 65% तो भी उत्ते मेरे दलित भी भैन भरा रहते हैं। सो मेरी कोशिश रही है, छोटी सरकार की कोशिश रही है, सरकार का मतलब नहीं कि कल्ले वड्डे बंदे वास्ते फैसले लेने, हर वर्ग को सहूलत देने का जो फैसला सी बादल साहब का वह रंग लाया, जिन्या भी स्कीम बादल साहब रखे है गरीब परिवारों को अपलिफ्टमेंट करने की, भावें मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है, आटा दाल की स्कीम है, शगन स्कीम है, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की स्कीम है, आप उस एजेंडे के राही असं काम किया। जी गरीब दलित स्कॉलरशिप मैं याद है, मैं फैक्ट्स देख रहा, 2006-07 साड़ी सरकार बनी, टोटल स्कॉलरशिप एससी एससी स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक तो दूजी कली 13 करोड़ रुपया साल की मिलती सी, अज 600 करोड़ रुपया साल की असं डिस्कस कर रहे हैं। आज जो सिस्टम असं ऑनलाइन किया, सिस्टम सिंपलीफाई किया, इनकरेज किया अपने गरीब बच्चों कि तुम पढ़ो, वह एक बहुत बड़ा नतीजा है। मैं बड़ी खुशी इस गल कहते होंगी है, कोई 15 साल पहले पंजाबी नौजवान बच्चे साउथ इंडिया जाते पढ़ने, बैंगलोर जाते डिग्री हासिल करने, हैदराबाद जाते, पर अज हिंदुस्तान के कोने कोने तो बच्चे पंजाब पढ़ आ रहे हैं। 18-19 जो बड़िया यूनिवर्सिटीज बनी है, प्रैक्टिकली कोई 90,000 बच्चे हूँ साल के हिंदुस्तान के कोने तो पंजाब पढ़ आ रहे हैं। अ कंप्लीट शिफ्ट हो गया, असी हिंदुस्तान या बेस्ट इंस्टीट्यूशंस उन्होंने पंजाब से लेके आए हैं। IIT रोपड़ जी 500 करोड़ इन्वेस्ट होया, उन्होंने असी अपग्रेड कर दिता, हूँ 2,000 करोड़ रुपया IIT रोपड़ लाया जाऊगा, तो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी। अमृतसर में IIM की स्थापना हो गई है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसिज की स्थापना अपने बठिंडे हो गई है, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जिहड़ा वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल है उन्होंने असी मोहाली लेके आए हैं। आज जिहड़ियां चीज़ां आने नाल अपना पंजाब हुण वर्ल्ड मैप पर आ गया, मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने नाल IT सैक्टर जो अपने बच्चे सारे बैठे है, मैं कह सकता नैक्सट IT हब इंडिया का सब तो वड्डा IT हब हुण मोहाली बन लगे, तो अमृतसर के मोहाली दो डेस्टिनेशन असं प्रमोट कर लगे हैं। जिन्हिया टॉप की कंपनियां इनफोसिस विप्रो TCS सारे ने अपने कैंपस खोलने शुरू कर दिए, जिहड़ा इनफोसिस का कैंपस है कला एक कैंपस मोहाली जी का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, जी 2 साल बन जाना है, 25,000 नौजवानों कल उस एक कैंपस में उन्होंने जॉब्स मिली हैं। सो उस करके IT सैक्टर एक ऐसा सैक्टर है जिहड़ा सब तो ज़्यादा अपना जॉब ओरिएंटेड सैक्टर है, जिन्होंने असं फुल फ्लेज प्रमोट कर रहे हैं। विद इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलने मैं कहना वह बहुत वड्डा बूस्ट सानू मिले। बाकी मैं इन्ना कहना चाहना कि अज आप डॉक्टर अंबेडकर जी को याद करने वास्ते इकट्ठे हैं, उन्होंने सोच को आप अगे बढ़ाने की लोड़ है, उन्होंने दसे हुए रस्ते को अगे बढ़ाने की लोड़ है, तो मैं पूरा आस है, तो मैं कमिट कहना पंजाब सही मायने ते एक रोल मॉडल बन के रहूगा, उन्होंने सोच का एक रोल मॉडल बन के रहूगा। मैं क्योंकि ज़्यादा समा नहीं लेना चाहता, मैं इन्ना कहना चाहना वर्ल्ड कप कबड्डी हो रहा है इस नवंबर च, मैं वर्ल्ड कप कबड्डी इस साल के वर्ल्ड कबड्डी का नाम डॉक्टर अंबेडकर वर्ल्ड कप कबड्डी का अनाउंस करके जा रहा। असी पूरे पंजाब तकरीबन 2600 फ्री मेडिसिन शॉप्स अगले महीने खोल लगे हैं, जितने मुफ्त दवाई मिला करूंगी 2600, तो मैं चाहना कि वह 2600 दुकाना का नाम भी डॉक्टर अंबेडकर फ्री मेडिसिन शॉप उन्होंने नाम से डेडिकेट करना चाहना। सो इन्ना ही कह के मैं सारी इतने संगत का खास करके इज एक्सलेंसी डिप्टी गवर्नर पौंडी जी इतने आए हैं, जेडे अपने अमृतसर के जमपल है, अमृतसर तो पढ़े है, तो उन्होंने मैं इतने अपने चीफ जस्टिस साहब इतने आने जी आए कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।